हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पिरामिड्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पिरामिड्स में 4 कलर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले तो आपको इसके पीसेस पता होने चाहिए। ये है कॉर्नर पीस, ये वाला जो इसमें 3 कलर्स होते हैं, ये है कॉर्नर पीस, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एज पीस, जैसे ग्रीन और रेड का एज पीस है, ये ग्रीन रेड एंड येलो का कॉर्नर पीस था। और सेंटर पीस जिसमें एक ही कलर हो, जैसे ये ग्रीन, यहाँ पे भी सिर्फ ग्रीन। पिरामिड्स में 3 सेंटर पीस एक कलर के होते हैं और 3 कॉर्नर्स में एक कलर होगा। तो अब आपको मैं इसके बेसिक नोटेशंस बता देता हूँ। तो इसमें आर करने के लिए आपको ये राइट वाली लेयर को नीचे की तरफ करना है और आर प्राइम इसका अपोजिट हो जाएगा ऊपर की तरफ, और एल करने के लिए इसी को लेफ्ट लेयर को ऊपर की तरफ करना है और एल प्राइम लेफ्ट लेयर को नीचे, यू अपर लेयर को क्लॉकवाइज और अपर लेयर को आप एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये होगा यू प्राइम। तो ये आपके 3 बेसिक नोटेशन थे। इसमें 3 ही होते हैं। अगर हम बात करें इस रूबिक्स क्यूब 3x3 की, 3x3 की, तो इसमें 6 नोटेशंस होते हैं, आर एल एफ यू डी और बी। पर इसमें हमारे पिरामिड्स में सिर्फ 3 नोटेशंस होते हैं, आर एल और यू। तो अब इसे मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो अब सबसे पहले तो इसे अनसॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैं अनसॉल्व कर चुका हूँ। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको करना होगा, पहले आपको कोई भी एक कलर ले लेना होगा। मैं यहाँ पे जैसे रेड ले रहा हूँ, तो मुझे रेड कलर के 3 सेंटर पीसेस ढूँढने हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड पे होंगे, क्योंकि सेंटर पीस हमेशा एक ही साइड पे हो भी सकते हैं और आपको नहीं भी मिल सकते, कहीं पे 2 और 1 भी मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरे को 1 मिला है। अब मुझे दूसरा सेंटर पीस ढूँढना है, या देखिए यहाँ पर है और ये मेरा सेंटर पीस यहाँ नहीं आ रहा है, ये देखिए। तो आपको इसे यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ये तो 3 मैच हो गए, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे कौन सा आएगा। तो आपको सबसे पहले तो एक सेंटर पीस कॉर्नर पीस ढूंढना होगा जिसमें रेड कलर ना हो। ये देखिए मुझे मिल गया है, इसमें रेड कलर नहीं है। तो इसके अपोजिट वाली साइड यानी कि ये, यहाँ पर आपका रेड कलर बनेगा। तो मुझे रेड सेंटर पीस लाना है। ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 सेंटर पीस आ गए हैं और अब तीसरा सेंटर पीस इधर है। तो इसे मैं ऐसे करूँगा तो ये बन जाएंगे। और अब सेंटर पीस मैच करने के बाद अब आपको कॉर्नर पीसेस को मैच करना है। अब इसे आप ऐसे फ्लिप कर देंगे तो ये रेड के साथ मैच हो गया और इधर से ब्लू और ग्रीन के साथ भी मैच हो गया, और इधर रेड येलो और ब्लू 3 के साथ ऐसे मैच करने हैं आपको, और इधर रेड। सो गाइस, अब आपको इसमें कोई कलर ढूंढना होगा जिसमें येलो और रेड है, क्योंकि ऊपर मैं येलो से शुरू कर रहा हूँ, येलो इधर है और रेड इधर है, आप जैसा कि देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे येलो और रेड का एज पीस चाहिए, जो कि पहले तो आपको इस लेयर में ढूंढना है, इस पूरी लेयर में। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे
इसमें भी 3x3 की तरह तीन लेयर्स होती हैं, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, सॉरी ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करने के लिए आपको कोई ऐसा, पहले तो आपको इसे सेकंड लेयर में ढूंढना होगा, इसे हम मिडल लेयर और टॉप लेयर और डाउन लेयर भी बोलते हैं। तो अब मुझे इसमें ढूंढना है कि येलो और रेड का एज पीस यहाँ पे जो लगेगा वो कहाँ पे है। पहले तो इसमें मिडल लेयर में यानी सेकंड लेयर में ढूंढूंगा, यहाँ पे नहीं है तो ये यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पे तीन पॉइंट्स पे कहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखिए है येलो रेड, यहाँ पे भी येलो रेड। तो अब आप क्या करेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी तो फॉर्मूला की तरह नहीं, टिप्स की तरह समझिए। तो सबसे पहले इसे आपको बाहर निकालने के लिए इस लेयर को ऊपर करने हैं यानी आर, देन इसे साइड पे प्रोटेक्ट करना है क्योंकि आपको एच बी से हमेशा मैच चाहिए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे यू कर देंगे। तो ये यहाँ पे आ गया है पीस, तो अब इसे वापस नीचे की तरफ ले आएंगे, इससे हमारा सेंटर पीस भी मैच हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपका पीस है ये रेड और येलो है और यहाँ पे रेड और येलो के बीच में आपको इसे करना है। तो अब इसमें रेड तो आपका नीचे वाली साइड है इसलिए अब आपको येलो के साथ इसे मैच करना है ऐसे, ये देखिए येलो के साथ मैच हो गया। इधर से आपको कोई मतलब नहीं है, अब इसे ऊपर टर्न करेंगे, अब इसे यहाँ से रेड के साथ मैच करेंगे और नीचे ले आएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा सेंटर पीस इंसर्ट हो चुका है। अब ये ब्लू और रेड का पीस अब मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो अब क्या, पहले अब हमें पहले क्या करना है, यस इसे ब्लू के साथ मैच करना है। तो ऐसे मैच हो जाएगा। अब हमें पिछली बार हमें इधर मिला था जब ये इधर की तरफ मैच कर रहा था, तो हमने इसे ऐसे करके, ऐसे अगर इसे हम इसे मैच कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर आपको इधर मैच कर मिलता है तो इससे अपोजिट लेयर आपको ऊपर की तरफ टर्न करनी है और उधर से मैच करके अब नीचे इंसर्ट। अब मुझे ब्लू के साथ ऐसे मैच हो रहा है, तो इससे अपोजिट लेयर को ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। ये रेड इधर है तो यहाँ है, यहाँ भी रेड है और इसे मैच कर देंगे और फिर दोबारा से नीचे कर देंगे। अब आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे आपकी एक लेयर बिल्कुल सॉल्व होने वाली है और बस आपको ये पीस सॉल्व करना है, फिर आपकी एक लेयर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो अब आपको इसे इसमें ढूंढना है रेड और ग्रीन का पीस, मुझे यहाँ कहीं नहीं मिल रहा और ये पीस इसी जगह पे फ्लिप्ड है। तो आपको इसे बाहर निकाल के दोबारा से इंसर्ट करना होगा। इसे पहले आप ऊपर करेंगे राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको राइट की साइड से बताया था तो मैं लेफ्ट की साइड से बता देता हूँ। इसे यू प्राइम किया और इसे नीचे लिया, यहाँ पे दूसरा पीस आ चुका है और ये भी बाहर निकल चुका है हमारा। तो अब इसे पहले क्या करेंगे, पहले इसे मैच करेंगे और अपोजिट वाली लेयर को ऊपर, अब इसे रेड के साथ मैच करेंगे और वापस नीचे। अब आप देख सकते हैं आपकी पूरी एक लेयर सॉल्व हो चुकी है ये क्यूब की। तो अब मिडल लेयर सॉल्व करने के लिए पहले तो ये पीस को सही कर लेते हैं, आप इसे बाद में भी सही कर सकते हैं। तो अब आपको ये सेंटर पीसेस को मैच करना है, कभी भी आपको क्यूब सॉल्व करने के लिए सेंटर पीसेस को मैच करना है। तो पहले येलो यहाँ है और ब्लू यहाँ है, येलो को यहाँ इसके साथ मैच कर दिया, ब्लू को इसके साथ। अब आपको कुछ अलग अलग
अलग अलग केसेस मिल सकते हैं। अब पहले इसे सीधा कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये एल्गोरिथम है, एक यहाँ पे मैच हो रहा है और एक यहाँ पे मैच हो रहा है। और अब आपको कोई ऐसा पीस ढूंढना होगा जो एक भी तरफ से मैच ना कर रहा हो, तो मुझे मिल गया है। अब इसे पीछे रखेंगे और ये देखिए, मुझे यहाँ पे पीछे रखने के बाद ये लेफ्ट की तरफ एक पीस अनसॉल्व दिख रहा है। तो इसमें आपको लेफ्ट की तरफ दिखे या राइट की तरफ दिखे, आपको इसमें एल्गोरिथम लगाना होगा, आर प्राइम आर एल प्राइम यू प्राइम के बाद आपको इसमें करना है एल प्राइम और देन यू एल। अब आपको इसे दोबारा से थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। अब इसे मैच करेंगे, फर्स्ट लेयर आपको सॉल्व करनी होगी। अब इसमें मुझे पीस ढूंढना होगा जो कि पीस यहाँ पे है, तो अब इसे इंसर्ट कर देंगे। इधर से भी ऐसा ही है। अब मैंने रेड एंड येलो का मुझे पीस ढूंढना है, वो यहाँ पे है, तो इसे पहले बाहर निकालेंगे। उसके बाद येलो के साथ मैच करेंगे रेड लेयर ऊपर एंड इंसर्ट। अब ये यहाँ पे अटका हुआ है, पहले से बाहर निकालेंगे। अब ये देखिए, ये भी इंसर्ट हो चुका है। अब ये देखिए, मुझे एक राइट की तरफ पीछे मैंने अनसॉल्व सॉरी अब मैंने इसे पीछे अनसॉल्व रख दिया है पीसेस। अभी भी मेरे को राइट की तरफ एक मिल रहा है और ये अनसॉल्व पीस है। तो अब आपको क्या करना होगा, यही एल्गोरिथम वापस लगाना होगा, आर प्राइम एल आर एल प्राइम यू प्राइम एल प्राइम यू एल। तो अब आपको बस इतना सा लगाना होगा तो आपका क्यूब पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपको ये ऐसे भी मिल सकता है या ऐसे भी मिल सकता है, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। और बस आपको थर्ड लेयर सॉल्व कर फर्स्ट लेयर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आपको दो लेयर ही सॉल्व करनी होती है और आपका क्यूब पूरा सॉल्व हो जाता है। अब मैं इसमें सेकंड केस ले आता हूँ। इसमें आपको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न टाइप ही मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें भी ये मैच डी है। अब इसमें क्या करना है, राइट लेयर को नीचे U, फिर राइट लेयर ऊपर U प्राइम, फिर राइट लेयर नीचे U प्राइम, फिर ये ऊपर फिर नीचे। हो सकता है आपको ना मिले, तो इसे फिर से मैच करके दोबारा, जब तक आपका क्यूब सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक। और ये देखिए, मुझे दो बार करने के बाद ये सॉल्व मिल चुका है। तो अब मैं इसमें तीन इसमें होते हैं एल्गोरिथम्स, तो वो आपको याद करने होंगे। तो अब मैं इसमें थर्ड वाला ले आता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे वो केस ला चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एक लेयर सॉल्व हो चुकी है और मैंने कलर्स को भी यहाँ पे मैच कर रखा है।
तो अब आपको इस केस में क्या देखना होगा कि यहाँ पे आपको एक पूरी स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी जो बिल्कुल सॉल्व होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीस बिल्कुल सॉल्व है यहाँ पे लगाने के बाद, और ये दोनों जो हैं अनसॉल्व हैं, अनसॉल्व नहीं एक तरह से आप कह सकते हैं फ्लिप्ड है, क्योंकि ये उल्टा हो गया कि येलो यहाँ पे आना था और ब्लू यहाँ पे आना था, इसमें ग्रीन यहाँ पे आना चाहिए था और ये ब्लू यहाँ पे आना चाहिए था, तो इसलिए फ्लिप है। इसलिए अब इसके लिए भी एक एल्गोरिथम है, अब वो होगा आर प्राइम एल आर एल प्राइम यू एल प्राइम यू प्राइम एल। इसमें भी आपको इसे वापस सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इसमें सॉल्व। तो अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेयर को ये मैंने इंसर्ट कर दिया, अब यहाँ ब्लू और रेड का देखना है मेरे को, ये साथ में मिक्सचर मिला है मेरे को। ये आप देख सकते हैं अब आपका क्यूब बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की क्यूब की वीडियो। तो इससे आप पिरामिड सॉल्व करना बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और मेरा पिरामिड सॉल्व करने का रिकॉर्ड है 30 सेकेंड्स। मैं आपको एक बार इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको इसे अनसॉल्व करना पड़ेगा, तो अभी से मैं अनसॉल्व करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने इसे अनसॉल्व कर दिया है, मैं इसे सॉल्व करता हूँ और मेरा टाइम मैं एक फ़ोन में स्टार्ट करूँगा। तो अब उस फ़ोन को लेके आते हैं।